राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता पानी झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। और उसके बाद मैं बना रही हूँ आज दोपहर का खाना। दोपहर का खाना जानते हैं मेरे यहाँ जल्दी बन जाता है, तो दोपहर अभी नहीं है, अभी समथिंग 9 या 10 ऐसे ही टाइम रहता है मेरे खाना बनाने का, और या फिर यूँ कहो इससे भी जल्दी हो जाता है। तो अभी ना मेरी जो कढ़ाई है ना, इसके हैंडल पर बिल्कुल मत जाइएगा। इसकी हैंडल मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, 2-3 दिन से लगातार मैं ढूंढ रही हूँ कि ये मिल जाए तो लगवा लें, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत हल्की है, एल्युमिनियम की है, तो इसीलिए मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे डर लगता रहता है कहीं ये गिर ना जाए। सब्जी के लिए पहले मैंने इसमें तेज़पत्ता जीरे का तड़का दे दिया था, उसके बाद मसाले डाल दिए थे। मसालों में मैं हमेशा ताज़ा मसाला पीसती हूँ, खासकर सूखा जो धनिया आता है पाउडर वो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो लहसुन प्याज अदरक ये सब जब पीसती हूँ तो उसी के साथ साबुत धनिया भी पीस लेती हूँ, इससे ना सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पनीर मसाला, क्योंकि ये सब सब्जियाँ थोड़ा सा स्मेल करने वाले मसाले जब तक नहीं पड़ते ना सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं कोई भी मसाले वाली सब्जी बनाती हूँ ना तो उसमें अलग से या तो सब्जी मसाला या फिर कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो थोड़ा सा स्पेशल सब्जी में पड़ते हैं ना, तो उसे मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। और मैं यहाँ सूजी ले आई हूँ क्योंकि विराटू को हलवा खाना है। देखो मेरे साथ कैसे लगे हुए हैं सूजी साफ करवाने में। तो सूजी हमेशा ना थोड़ा देखना पड़ता है ना कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं पड़ गए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा नाजुक होती, कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। ऑक्सीजन छोटा होता है उसको ऐसे नाक में ऐसे लगा लो तो उसमें से जो पाइप निकल रहता है वो कहाँ पर जाता है, ऐसे पूरे शरीर में लगता रहता है कि कहाँ रहता है वो जो पाइप लगा रहता है ना, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है। हाँ। तो उसमें उस पाइप को ज्वाइंट किया जाता है, तो उसी में का जो ऑक्सीजन है वो पाइप के द्वारा जो मुंह में कैप लगाते हैं उसी से वो जिस व्यक्ति को जरूरत होती है ऑक्सीजन की उसी से सांस लेता है, तो सांस जो है वो पाइप से नीचे जाती है, सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन जो आती है वो नाक के द्वारा उसके शरीर में जाती है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो और मशीन में एक जो ऐसे होती है ऐसे टाइप होते जिसमें टूट टूट वायरस बताता है, वो मॉनिटर लगा होता है बताता है कि मरीज का जो टेम्परेचर है जो मरीज की स्थिति है वो कैसी है। भाई वो बोल तो सकता नहीं है मम्मी, और वो उसमें देखते हैं ऐसे ऐसे वो घूमता 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 जाता है, बताता रहता है ना कि टेम्परेचर कैसा है जो मरीज है उसकी क्या स्थिति है। तो डॉक्टर लोग समझ पाते हैं कि इसमें इसका क्या मतलब है। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे हम लोग डॉक्टरी तो पढ़े नहीं हैं, तो हमारे सबका तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें, ऐसी लाइनिंग लाइनिंग बनती रहती है, पता ही चलता है कि उसका क्या मतलब है। मेरे सम्राट के मन में ना बहुत तरह के सवाल आते रहते हैं, सपोज उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखता है, कौवे रात में क्यों नहीं उड़ते हैं, सिर्फ पानी में चलता है क्यों ज़मीन पर नहीं चल सकता, ऐसे बहुत तरह के सवाल ये पूछता रहता है और इसके जवाब देना ना मुझे मुश्किल हो जाता है। और ये तब तक ये सवाल दोहराते रहेंगे जब तक इसको आंसर जो है संतोषजनक नहीं मिलेगा। बहुत पकाता है ये, दोनों बच्चे मिलके ना पूरे घर को सर पे उठाए रहते हैं। और विराट आज ना सो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मशीन का थोड़ा बहुत काम कर लूँ, क्योंकि ये जागता रहता है ना तो कहीं भी इधर उधर कुछ करने लगो तो मशीन में आके चला देता है, धागा फंस जाता है तो मशीन बेकार हो जाती है। आप ये जो बैग देख रहे हैं ना, इसमें मैं बचे हुए सारे कतरन के कपड़े रखती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े ना तो इधर उधर ढूंढने की मशक्कत ना करनी पड़े। आप जानते हैं मैं ब्लाउज वगैरह सिलती हूँ ना, तो कपड़े निकलते ही रहते हैं, तो एक जगह पर रहता है ना तो कभी कभार हमारे दिमाग में कुछ आइडिया भी आते हैं कि चलो इस कपड़े का क्या करना है, कुछ कर डालें। तो वही आज कतरन बहुत सारे इकट्ठे हो चुके, तो मैं सोच रही हूँ एक सोफे का कुशन बना डालूँ, और जो भी कुशन रखे हुए हैं सोफे पर सब कतरन के कपड़ों का है, कोई भी रुई नहीं है उसमें, लेकिन देखने से आप बता नहीं सकते हो कि ये ऐसे कतरन के कपड़ों का बना हुआ कुशन है। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में एक बार दिखाया था कुशन बनाकर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको डिटेल में देखना है ना तो आप जरूर चेक कीजिएगा। और इन्हीं बचे हुए कपड़ों से मैंने एक हाथ वाला पंखा भी बनाया है जिसे हम लोग बेना बोलते हैं, गांव में अधिकांशतः आपको देखने को मिलेगा, हर घर में बेना ज़रूर रहेगा, क्योंकि गर्मियों में भाई हमारे सबके यहाँ ना कूलर इतना होता है ना इन्वर्टर ही सबके यहाँ होता है, खासकर मेरे यहाँ खुद ही नहीं है, तो ऐसे में अगर गर्मी रहती है तो बेना की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए साइड में रखा हुआ यही है बेना हमने बनाया है, मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें हम कर डालते हैं लेकिन क्या ना एक ही मोबाइल है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, एक ही मोबाइल से सब कुछ करना रहता ना, तो कभी कभार मोबाइल में बैटरी नहीं होती या फिर किसी का कॉल आ गया तो मम्मी बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं ना, तो काम तो होते रहते हैं शूटिंग हो या ना हो। तो ये कुशन हमारी बन चुकी है, और इसमें चाहे ना तो बीच में ऐसे बटन लगाकर आप इसको एक नया लुक दे सकते हैं,
लेकिन मेरे यहाँ बच्चे हैं ना, तो मुझे कवर चढ़ाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये गंदे करते रहते हैं, इसी कुशन के साथ खेलते रहते हैं। तो ये बीच में अगर आप बटन लगा कर बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। और इसके बाद इसका कवर रेडी कर लेते हैं। तो कवर बनाना मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी आपको, अगर आपको देखना है ना तो आपको मेरी पिछली वीडियो में 100% जाना पड़ेगा। तो ये देखिए इसकी कवर भी बन के रेडी हो चुकी है, लग रही है ना बिल्कुल अच्छी सी यूनिक सी। पुराने कपड़े का मैं ऐसे यूज कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। हम लोग चल रहे हैं चिड़िया का घोंसला देखने के लिए, मम्मी ने बताया बहुत अच्छा बनाया है, तभी आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी पीछे चलना है ना, इसीलिए हमने पल्लू उल्लू डाल लिया, पीछे तक दिखाई पड़ा। देख लीजिए कितने छोटे से पेड़ में चिड़िया ने घोंसला बनाया है, और ये घोंसला कुछ अजीब तरह का, देख लीजिए पूरी पत्तियों को सिल करके बनाया, जैसे लगता है किसी टेलर ने इसे सिला हो, और हम भी एक टेलर है ना तो ज़रूर समझ लेंगे इसकी टेलरिंग को। लेकिन ना ये चिड़िया जो होती है, इसका नाम ही टेलर बर्ड है। ये बिल्कुल, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तांत है, साइड में पड़ा हुआ था पूरा तांत, काट काट के पूरा, पहले वो लाते हैं ना घास फूस वो ले आए, उसके बाद सारी पत्तियों को आपस में जोड़ करके पूरा घोंसला रेडी किए। अगर हम लोग बनाने बैठे ना तो नहीं बना पाएंगे ऐसा घोंसला। देखिए नीचे भी पत्ती जुड़ी हुई है, और साइड साइड ऊपर पानी न जाए उसके लिए भी ऊपर से पत्ती पूरा कवर किए हैं। बहुत अच्छा, अमेजिंग लगता है ना। जीवों के पास ना तो हम लोगों से ज़्यादा बुद्धि है, ज़्यादा दिमाग है, बस ये है ना कि इंसान अपने आप में श्रेष्ठ बनता ही रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैंने मशीन रखा था तब से मम्मी मुझसे बोल रही थी कि चलो तुमको थोड़ा अलग सा घोंसला दिखाते हैं। तो मैंने कहा घोंसला ही होगा नॉर्मल घोंसले जैसा, पर सच में ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट घोंसला था, बहुत अच्छा लगा देख करके। कपड़े पहनने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। कहाँ जाना है, मार्केट, बैंक जाना है, बैंक जाना है तो जाने के लिए तैयार होगा, पर ये भी नहीं पता जाना कहाँ है। चले नहीं, श्रीमान जी से डांट पड़ने वाली है। और घर में आते ही विराट की फरमाइश चालू हो गई कि मम्मी इसमें मेरी बॉल चली गई है। तो ये ईंटों के साइड में इनकी बॉल चली गई, और ये कूलर जो रखा हुआ ना, ये पुराना कूलर है, इसको कबाड़ी को देना है, पर अभी लॉकडाउन की वजह से कोई आ ही नहीं रहा है। और मुझे बिल्कुल आभास नहीं था कि जिसमें ईंटें साइड में रखी हुई है ना, बिल्कुल कूलर से सटी हुई लगी हुई। तो जैसे ही मैंने कूलर हटाया ना, पूरी ईंटें हिल कर आगे गिरने वाली थी। किसी तरह मैंने खुद को संभाला, और देखिए मैं पैर से अंदर कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरी मेरे पैर पर गिरने वाली थी। और मेरे लिए एक नया चीज़ और था, इसमें पानी भर गया था पूरे कूलर में। जब ये रखा गया था तो खाली रखा गया था, लेकिन बारिश का पानी पूरा अंदर साइड साइड से चला गया ना। तो जैसे ही मैंने इसे उठाया बाहर ना, तो कूलर भी मेरे ऊपर गिरने वाला था और ईंटें भी। तभी इसका मोटर सिर्फ निकालना है, बाकी सब कुछ इसमें कबाड़ है। अभी कूलर वैसे ही निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि कबाड़ी वाला पता नहीं कब आएगा। उस कबाड़ को देख देख के मेरा दिमाग कबाड़ होता जा रहा है। और ये क्या मंगाए हैं देखो, सम्राट और विराट मिलके मंगाए, क्योंकि इन्हें सुनना था साउंड में गाना। वैसे मुझे भी अच्छा लगता है इसमें सुनना, पर अब टाइम नहीं रहता है। शाम को इस समय डेली में लोग लगा के सुनते हैं, परसों या दो तीन दिन पहले ले आए हैं। अच्छा लगता है मुझे भी, लगा लेते हैं ना थोड़ा सा दिमाग अच्छा हो जाता है। और संगीत सुनना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग भी सुना कीजिए। और कल जो मैंने पत्ती बनाई थी, तो आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा है बनाकर दिखाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी आगे बनाने के लिए। और एक शिकायत भी की है कि मैंने कहा था कि मेरा वीडियो कोई दिमाग से नहीं देखता तो गलत बोला था मैंने। सच में दिल बड़ा होता है, दिमाग छोटा होता है, तो दिल से सभी लोग देखते हैं। कई लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है, तो आप सबको तय है दिल से शुक्रिया, थैंक यू। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, आप सबको बुरा लगा हो, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगने से जो हमारे आपसी रिश्ते होते हैं ना, वो प्रगाढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो कभी भी आप कोई गलती करते हैं ना, तो आपका अगर सगा संबंधी कोई है ना, तो उसे माफ़ी मांगने में कभी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि माफ़ी एक ऐसा शब्द है जिससे ना सिर्फ आप फालतू के तकरार से बच सकते हैं, बल्कि अपना रिश्ता मजबूत भी कर सकते हैं। तो कल आपसे मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।